नमस्कार, देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। एलएसी पर किस तरह से वॉर सीन क्रिएट कर रहा है ड्रैगन, तिब्बत से अक्साई चिंता क्या है, जिनपिंग की धोखेबाजी वाली चाल, रूस के S-400 मिसाइल सिस्टम से इंडियन आर्मी को कितनी मिलेगी मजबूती, पाकिस्तान कहां पर जिहादी ग्रुप को कर रहा फंडिंग, चीन पाक की साजिश से जुड़ी बड़ी खबरें कौन सी है न्यूज टॉप 9, दुश्मन चीन पाक में आप देखें। चीन ने अपने युद्धाभ्यास का एक प्रोपोगेंडा वीडियो जारी किया है। चीनी मीडिया का दावा है कि युद्धाभ्यास का ये वीडियो लद्दाख में न्योमा वैली के पास का है, जिसमें चीन अपने आधुनिक एंटी एयरक्राफ्ट गन और रडार सिस्टम से वॉर ड्रिल किया। एलएसी तक पीएलए की आसान पहुंच बनाने के लिए चीन लगातार कंस्ट्रक्शन में जुटा है, जिसकी कुछ नई तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें तिब्बत की हैं, जहां चीन ने नए हाईवे और मिलिट्री एयरबेस तेजी से बनाए हैं। वहीं दूसरी तस्वीर होटन से अक्साई चीन को जोड़ने वाले हाईवे की है। चीन लगातार एलएसी पर अपनी खुराफाती हरकतें जारी रखे हुए है। चीन ने एलएसी पर रणनीति के तहत अपने विध्वंसक फाइटर जेट स्टील्थ J-20 को इस्तेमाल कर रहा है। चीन ने रफेल के डर से एलएसी पर अपनी वायुसेना में हाल ही में कई अहम बदलाव किए हैं। राफेल के डर से पाकिस्तान में भी चीन से J-10 फाइटर जेट खरीदने में जुटा है। इसका खुलासा उस वक्त हुआ जब पाकिस्तानी एयरफोर्स चीफ के कार्यालय में चीन के लड़ाकू विमान J-10 का मॉडल देखने को मिला। खबर के मुताबिक 2022 के आखिरी तक पाकिस्तान चीन से 36 J-10 खरीदेगा। चीन पाकिस्तान की चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय सेना और भी मजबूत होने जा रही है। रूस ने भारत को S-400 मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी शुरू कर दी है। रूस ये डिलीवरी समुद्र और हाईवे मार्ग से कर रहा है। S-400 की पहली स्क्वाड्रन पश्चिमी फ्रंट पर तैनात की जाएगी। दुश्मन ड्रैगन को देश के रक्षा मंत्री ने सीधी वार्निंग दी है। लखनऊ में पूर्व सैनिकों के कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चाहे कोई भी हो और चाहे जो भी हो जाए, हम करारा जवाब देंगे। रक्षा मंत्री ने साफ कहा कि बॉर्डर पर हमारी तैयारी किसी से कम नहीं है। चीन में उइगर मुसलमानों पर हो रहे नरसंहार के विरोध में लंदन में बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और उइगर समर्थकों ने लंदन में स्थित चीनी दूतावास के बाहर बैनर पोस्टर के साथ मार्च किया और चीन में उइगरों पर हो रहे अत्याचार को रोकने की मांग की। CPEC प्रोजेक्ट को लेकर चीन पाकिस्तान की सदाबहार दोस्ती में दरार बढ़ती जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने घाटे और प्रोजेक्ट में देरी को देखते हुए 3 प्रमुख हाईवे प्रोजेक्ट की फंडिंग रोक दी है, जिससे कंगाल पाकिस्तान पर आर्थिक बोझ का फंदा टाइट हो गया है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान आतंक को बढ़ाने में जुटा है। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि ISI अफगानिस्तान में इस्लामिक इन्विटेशन अलायंस जैसे छोटे छोटे जिहादी ग्रुप को अपना समर्थन दे रहा है। ISI इससे एक तरफ तालिबान पर कंट्रोल करेगा और दूसरी तरफ आतंकी पौध तैयार करेगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहे। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।